प्रभु ने समझाया, चरण पादुका लेकर भरत जी श्री अवध आए। सरकार वन में भरत जी पादुका पधराए उस राज सिंहासन पर और नंदीग्राम में वास कर। हमारे आपके जीवन में यह शिक्षा है, श्रेष्ठ का सम्मान रखें और समर्पित होकर उदंडता पूर्वक ने श्रेष्ठ के वचनों पर थोड़ा आनंदित हो। कभी कभी मन के अनुकूल न हो तभी भी आनंदित हो। नहीं नहीं नहीं, ठीक ऐसा ही है। ये चरित्र है मेरे राम जी का, मेरे भरत जी का। नेम पूर्वक सुनने से वैरक्ति प्राप्त होती है। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीत है। भरत चरित करिने तुलसी दे सादर सुने, सी राम पद प्रे आवसी भवरस। भवरस से वैराग्य होगा, संसार का रस रुक्ष लगने लगेगा, इसकी मिठास मानो समाप्त हो जाएगी। सत्संग धीरे धीरे प्रभाव देता है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन डुबा देता है। आगे के कांड का नाम है अरण्य कांड। अरण्य माने वन। वन में जाने से हमारे विकार अपने आप शमित हो जाते हैं, निकल जाते हैं, निस्सृत हो जाते हैं, रह नहीं जाएगा। वृक्ष खड़े हैं, हम भी खड़े हैं। पुराणों में घर को वन कैसे बनाएं इसका भी व्यवहार है। जहां 24 घंटा कलह मचा है वो घर वन है। उसको वनवास भगवान ने सहज बना दिया है। यहीं भजो, कहीं मत जाओ, अपने भजन के प्रताप से इस वन को घर बनाओ। अत्रि जी महाराज से मिलन भया, स्तुति किया उन्होंने। नारी धर्म का पावन उपदेश अनुसुईया मैया सीता मैया को करके, बिनु शम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल बिनु श्रम। हम जो चाहते हैं व्यवहार करें। आज के आदमी की एक समस्या है, कर्तव्य करना नहीं चाहता लेकिन अपेक्षा बहुत करता है। हम अपने क्या कर रहे हैं इस पर हम विचार नहीं करते, सामने वाला क्या करता हम इस पर विचार करते। अरे भाई, जो हमारे पास है पहले हम उसका विचार करें, हम क्या कर सकते हैं। हम करेंगे तो हमको देखकर सामने वाले स्वतः करेंगे। हम त्यागेंगे अनुराग बढ़ेगा, हम तपेंगे चमक बढ़ेगी। प्रकृति का व्यवहार है, हम देते हैं तो हमको मिलता है ना, हम चाहते हैं बाद में देंगे। सहज व्यवहार, सुनकर समझकर बूझकर पालन हो, प्रभु आगे बढ़े। सर्वंग जी को भगवान ने गति दी, विराट का वध किया, जटायु जी महाराज से मिलकर मैत्री बढ़ाए, क्योंकि पिताजी के मित्र हैं। प्रतिज्ञा ली, गोदावरी गंगा के निकट अगस्त जी महाराज से मिले। सुदक्षिण जी के मिलने के पश्चात भगवान पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। लक्ष्मण जी को भक्ति योग का भगवान ने उपदेश किया है। सुपनखा का आगमन हुआ। देखिए, भारतीय सौंदर्य का कोई हरण नहीं कर सकता और भारतीय चरित्र का भी कोई हरण नहीं कर सकता। यदि हमारा चित्त कहीं निमित्त बनाकर वहां एकाग्र है तो हमारे चरित्र का कोई हरण नहीं कर सकता। चित्त में हलचल है तो हमारे हर वस्तु का हरण हो सकता। सुपर्णखा आई, सुंदर रूप बनाई, परमात्मा के सम्मुख प्रस्ताव रखी, मोस्त
तुम सम पुरुष मौसम नारी यह संजोग विधि रचा बिचारी भगवान ने उसकी ओर देखा ही नहीं। सीता चितई कही प्रभु बाता अहि कुमार मोर लघु भ्राता। यहां भी एक प्रश्न है बालक, भगवान ने कुमार प्रवचन करने वाले जो लंगी लगाने वाले श्रोता होते हैं ना, महाराज कुमार कहें कहें, भगवान ने क्या कहा? अहय कुमार माने राजकुमार, मेरे छोटे भाई हैं, आप उनसे बात करो। क्यों? वो अकेले हैं, मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ हूं। देखो मर्यादा क्या है, अपनी अर्धांगिनी हो तो चाहे जो हो उसी से संवाद करना चाहिए, उसी से बोलिए, उसी से बतियाइए, उसी की ओर देखिए। जहां इधर देखे वह उधर क्या देख रहे, इधर देखो। ये भगवान ने कही, भगवान ने हमको दिया है। सीता चितई कही प्रभु। अरे भाई जब सुपर्णखा ने देखा भगवान को, देख को कहा, तो भगवान को देखना तो नहीं, देखने में ही तो दोष है, शिक्षा है। देखा तो पाप प्रारंभ, देखा नहीं विकार नहीं। सरकार ने कहा देखने नहीं, मां को देखना, दृष्टि में ही दोष आते हैं पहले आते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि यदि पेड़ को देखने तो वो झुरा जाए। इसलिए भोजन द्रव्य और स्त्री ये पर्दे में रखने की वस्तु है। क्यों? कई माताओं को नजर बहुत लगती है, आप भोजन कर रहे हो किसी ने देख दिया, का बनल है गैल। आप खाए तो बाथरूम में जाना ही पड़ेगा, आपको तो सब बाहर निकल जाएगा, पूछा बस। कई लोगों की दृष्टि बड़ी कड़वी होती है, टेबल का शीशा सरक के टूट जाता है। सावधान, सामुद्रिक शास्त्र कहता है सबको अपना बेडरूम नहीं दिखाना चाहिए, सबको अपना पूजा घर नहीं दिखाना चाहिए, सबको बच्चों के खिलौने नहीं दिखाना चाहिए। बहुते खिलौना हमारे लड़कन के एको नहीं है, दो चार तो टूटबे करी। दीठी इतनी तीक्ष्ण होती है लोगों की, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहज अवस्था है। परमात्मा ने देखे नहीं साहब, अपमान समझा, विकराल रूप बनाई। भगवान ने लक्ष्मण जी को आदेश किया, लक्ष्मण यति लाघव तेना कर्ण बिनती ताके कर मनो चुनौती। खरदूषण का आगमन हुआ, समापन भया, रावण को जाकर प्रेरित की मारीच के माध्यम से रावण लेकर के माँ को हरण करने के लिए चला है। भगवान ने माँ को अग्नि साक्षी कर दिया। सावधान, इस प्रसंग को समझिएगा, भगवान के कारण पिता हैं अग्नि नारायण। समझदार व्यक्ति अपनी अर्धांगिनी को अधिक समय तक उसके मायके में नहीं छोड़ता है। हम मूर्ख की बात नहीं करते, समझदार व्यक्ति अपनी पत्नी को उसके मायके में नहीं छोड़ता, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन। और कई लोग तो इतने प्रेमी होते हैं कि सुबह गई तो सांझे का पहुंच जाते, चलो 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 काय अच्छा नहीं लग रहा घर में, हम तो भेजते ही नहीं साहब, हम साथ जाते हैं और साथ ही लेके लौटते हैं, हम भी उसी में हैं, बिन घर नहीं घर। हम गलत तो नहीं बोल रहे भाई, हम जाते ही नहीं, हम साथ जाते साथ आते, पांच दिन कम से कम रहे वापस चलो, घर घर नहीं से साहब। सावधान, परमात्मा ने कहां रखा? अग्नि कारण पिता है भगवान के, इसलिए भगवान ने मैया को अग्नि नारायण के पास रखा। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु कर बुललित नर लीला तुम पावक महु करहु निवास कब तक जब लग कर
परमात्मा का पावन स्मरण करके मेरी मैया अग्नि में प्रवेश कर गई। अरे अग्नि सरल था कि धरती मैया सरल थी? भगवान कहते देवी तब तक आप धरती माँ की गोद में रहिए और मैं विनाश कर लूं निशाचरों का, फिर आपको ले लूंगा। नहीं, भगवान ने मर्यादा की रक्षा की, अग्नि नारायण के पास रख दिया। फिर लंका में जब विजय प्राप्त हो गई तब भगवान ने माँ को अग्नि साक्षी करके प्राप्त किया। अर्थात रावण सीता मैया का हरण नहीं किया, माता जी की फोटो प्रति लेके चला गया। तो फोटो तो केहू केहू का उठा ले जाए, फोटो प्रति ही रावण चुरा सकता है, माता जी को उठाना? अरे माता जी को उठाना छोड़ दीजिए, माता जी ने जिस धनुष को उठाया था रावण उस शिव जी के धनुष को नहीं उठा पाया। माता जी को क्या उठाएगा? वो भारतीय मातृशक्ति का अपहरण कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है यदि माता लो स्वयं चैतन्य हो जाए, कोई नहीं कर सकता है। हम अपने स्वयं कारण हैं, हमारे विनाश का हम कारण है। और इसके लिए केवल एक बात, केवल शिक्षा रखो। देखो पर्दे से काम नहीं चलेगा, शिक्षा से काम चलेगा। शिक्षा और संस्कार विकार को समाप्त कर, संस्कार की शिक्षा हमारे जीवन में आए, विकारों से हमारा उच्चाटन हो जाएगा, समापन हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे हम। महारानी दुर्गावती, अहल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, हमारी गति है चरित्र की गति चित्त से है साहब। हमको स्मरण हो हम क्या हैं, हम क्या हैं।